अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफ़न फूडीज़। आज हम टिफ़न फूडीज़ में आपको बनाना सिखा रहे हैं मैशमैलो। मैशमैलो के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें चाहिए जेलेटिन, शुगर, फूड कलर, कॉर्नफ्लोर, वनीला एसेंस, पाउडर शुगर और गर्म पानी। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जेलेटिन सिरप। उसके लिए चाहिए हमें जेलेटिन, अब हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। जेलेटिन सिरप बनाते वक्त हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से जेलेटिन सिरप हल नहीं होगा और अच्छे से बनेगा भी नहीं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नीम गर्म पानी, साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि ये गुठलियाँ ना बने। और ये हमने पानी डाल दिया, अब हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जेलेटिन सिरप को। चलिए ये देखें, अब हमारा जेलेटिन सिरप तैयार हो गया है। अब हमें चाहिए पाउडर शुगर, कॉर्नफ्लोर, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम स्टीम कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये हमने इसमें पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे एक पैन, इसके लिए पे मैंने ऑलरेडी से ऑयल लगा लिया था और इसके ऊपर हमने चारों तरफ से बटर पेपर लगा लिया है, ठीक है। ये जो अब हमने मिक्सचर बनाया था पाउडर शुगर का और कॉर्नफ्लोर का, वो इसके ऊपर स्प्लिट कर देंगे। जो मिक्सचर हमने बनाया था अब हम स्ट्रेनर में डाल के पैन के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। बिल्कुल लाइट सा स्प्रिंकल करना है ताकि हमारा जो बैटर है वो बटर पेपर के साथ चिपके ना। देखिए अच्छी तरह से हमने स्प्रिंकल कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पानी, अब हम इसमें डालेंगे चीनी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखिए हमारा सिरप तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए कि ये ठीक से तैयार हो गया है, एक बाउल में वाटर लेंगे और इसमें चार कतरे इसके डाल देंगे, ठीक है, और फिर चेक कर लेंगे। अगर तो ये इस शेप में आंच है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिरप बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो देखिए अब हमारा शुगर सिरप प्रिपेयर हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जेलेटिन। जेलेटिन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें डाल देंगे और अब इस मिक्सचर को ब्लेंड कर देंगे। ये देखें अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने इतना ब्लेंड करना है कि ये हमारे पास क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखें इसको अब हमने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से और हमारे पास ये क्रीमी फॉर्म में भी आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और इसको दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है और क्रीमी फॉर्म में भी आ गया है। देखें कितना स्मूथ है और क्रीमी फॉर्म में है, ठीक है, इसी तरह का कर। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब हम इसको पैन में डालेंगे। पैन हमने ऑलरेडी से ही तैयार करके रखा हुआ था, अब मैं इसमें ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर है। चलें बाकी क्या आप मिक्सचर में हम डालेंगे फूड कलर, हम डाल रहे हैं पिंक कलर, आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये कलर लाइट है या डार्क होना चाहिए तो आप इस तरह उसी हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखें इसमें हमने और कलर ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाए। ये देखें अब हमारा पिंक बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको पैन में वाइट बैटर के ऊपर लगा देंगे, जिस तरह हमने पहले वाइट लगाया था इसी तरह वाइट के ऊपर हमने पिंक की लेयर देनी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको फ्रीज कर लेंगे।
ये देखिए हमारा मिक्सचर अब तैयार हो गया है। इसको मैंने पैन में अच्छी तरह से डाल के बैलेंस कर लिया है। अब हम इसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट तक। ये देखिए अब हमारा मैशमेलो तैयार हो गया है। हमने फ्रीजर से इसको निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए हमें ये ऑल अराउंड इसको मिला लिया है। ठीक है, अब नाइफ की मदद से मैं इसके जो किनारे हैं उनको सेपरेट कर लूँगी। ठीक है, नाइफ पे अच्छी तरह से पाउडर लगा लें ताकि वो हमारे मिक्सचर के साथ चिपके। ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसके तमाम साइड्स को देखिए सेपरेट कर लूँगी। सेपरेट करने के बाद मैं इसको साइड पे कर लूँगी, थोड़ा सा पाउडर शिंक करूँगी, ये देखिए इस तरह। और अब इसकी साइड को उल्टा कर दूँ, देखिए। अब मैं इसको लाइट लाइट सा पाउडर की मदद से इसको उतारना शुरू कर दूँ। ये देखिए पाउडर के साथ उतारे हैं। ठीक है, इसी तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमें इसको उतार लेना है सारा। बहुत ही आसानी से ये उतर जाएगा। ये देखिए ये अब हमारा मैशमेलो तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर ये जो है ये उतार देंगे पाउडर। अब नाइफ की मदद से हम इसके पीसेस कर स्लाइस पीस कट हो गए हैं। अब मैं इस तरह से अब इनको पीसेस में काट लूंगी। सारे जो हमने स्लाइस काटे थे उनको हमने नेक्स्ट और मजीद ब्लॉक्स में काट लिया है। देखिए इसी तरह जो हमारा लास्ट पीस रह गया है उसको भी हम कट कर लेंगे और इनको पाउडर में अच्छी तरह से डिप कर देंगे। ये देखिए ये भी कट कर लिया है और पाउडर भी हम इनको डिप कर लिया है। अब ये देखिए हमारे मैशमेलो तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको स्लाइसेस में भी काट लिया है। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, इसके पीस मैंने पकड़ा है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। इसकी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह।